आइए और जानकारी लेते हैं कि जब पॉइंट की बात आती है तो कहा जाता है कि यदि हम बच्चे का टीका लगाने जा रहे हैं अगर ANM अगर उसको एंट्री नहीं करती है तो उसके भी पैसे कटते हैं। तो आइए और जानकारी लेते हैं कि मैडम आपका नाम? मेरा नाम सर। क्या मांगे, किन मांगों को लेके यहाँ आई हैं? हमारे को कोई दर्जा नहीं मिल रहा, हम 2400 घंटे काम करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात को भी फोन आ जाता है किसी पेशेंट का तो हमारे को तुरंत उठना पड़ता है, ठीक, उनके घर भी जाते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं और कई के साथ तो हमारे को जाना भी पड़ता है वहाँ पर उनके साथ, ठीक है। और फिर भी हमारे को क्या होता है, उसका अगर हमारे पास मदर का ID नंबर नहीं होता है तो हमारी डिलीवरी विलीवरी बच्चे का सभी चला जाता है, तो ऐसा काम करने से क्या फायदा, इसी से हम दो ग्रह का चूल्हा चाके करके वही कमा खा लेंगे, जब हमारे को किसी चीज़ में इज्जत नहीं है तो उसमें काम करने क्या डर है, हम दूसरा कर लेंगे कोई काम, इसे क्या फायदा हमारे को ये काम करने से, जब हमारी कोई वैल्यू नहीं है और हमारे को कोई इंसेंटिव मिल ही नहीं रहा है, हम 9 महीने तक उसमें मदर की केयर करते हैं और वह मदर जब वहाँ से चली जाती है क्या फायदा हमारा, जब 9 महीने हमने उसकी देखभाल की तो क्या काम आई हमारी, ये बताओ। तो हमारे कुछ थोड़ा बहुत वो होना चाहिए कि भी हमने हमारे पास रात को भी फोन आ जाता है, हम सभी अपने परिवार के साथ उठते हैं, वो लेडीज़ होगी तो तुम्हारे को भी पता होगा कि भी बाहर अकेले नहीं जा सकते, हस्बैंड को उठाते हैं, बच्चों को उठाते हैं, सारे परिवार को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जब हम बाहर जाते हैं, जब एम्बुलेंस बुलाते हैं, हमारे सारी रात निकल जाती है एक पेशेंट के ऊपर, और मैडम लोग क्या बोल देते हैं, क्या करते हो तुम, क्या करते हो तुम, MCTs नहीं है तुम्हारे पास, तुमने अभी तक तुम तो बस खाली डिलीवरी लेके आ जाती हो, कागज़ लेके आ जाते हो, ये बोलते हैं हमारे साथ, हमारे का ऐसा काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। MCTs के लिए भी कभी कंप्यूटर ठीक नहीं है, कभी कुछ है कि हमारा कंप्यूटर ख़राब है, हम 4-4, 5-5 चक्कर लगाते हैं डिस्पेंसरियों में, कभी आज ये काम है, कभी ये काम है, जब फ़ोन करती हैं तब हम डिस्पेंसरी पहुँच जाते हैं, अभी MCTs नंबर नहीं मिला तो हमारी पूरी पूरी डिलीवरी कट जाती है। कौन सा नंबर? MCTs ID जो अब महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कंप्यूटर ही ठीक नहीं होगा उन लोगों का तो हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं, हमारा किए कराए काम पे पानी फिर दिया जाता है कि हमने कोई काम किया ही नहीं, पूरे महीने जो हमने भागा दौड़ी की है वो जीरो हो जाती है, इसलिए आशा वर्कर का जो काम है ना, जितना घर का करती है, बच्चों का करती है, बाहर का करती है, वो सब जीरो दिखा दिया जाता है सर, हमारी पूरे महीने की मेहनत जीरो हो जाती है सर। एक बात बोल,